Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है भारत में अपना एक और नया स्मार्टफोन Xiaomi का Redmi Y2। अब हाल ही में मार्केट में दो और नए फोन आए थे, एक था Oppo का Realme 1 और एक था Asus का Zenfone Max Pro M1। तो ऐसे में कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि भैया तीनों में से कौन सा फोन लेना बेहतर होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों फोन के बीच में एक क्लियर स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं, जिसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि तीनों में से कौन सा फोन लेना बेहतर होगा। इसके साथ ही लास्ट में मैं अपने कुछ ओपिनियन रखूंगा कि मेरे हिसाब से अगर मुझे फोन लेना होता तो मैं तीनों में से कौन सा फोन लेता। वेल, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस घंटी पे भी दबा दो, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहां पर हम तीनों फोन के बीच में एक एक करके डिस्प्ले, कैमरा और प्रोसेसर कंपेयर करने वाले हैं, जिसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि तीनों में से कौन सा फोन लेना बेहतर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं तीनों फोन के बीच में डिस्प्ले की। तो अगर हम बात करें तीनों फोन के बीच में डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको Xiaomi के Redmi Y2 में मिलता है 5.99 इंच का IPS डिस्प्ले, जो कि HD प्लस डिस्प्ले है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, और जो रेजोल्यूशन दिया गया है वो दिया गया है 720x1440। वहीं पर अगर हम बात करें Realme 1 में डिस्प्ले की, तो इस फोन में आपको मिलता है 6 इंच का IPS डिस्प्ले, जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, और जो रेजोल्यूशन दिया गया है वो दिया गया है 1080x2160। इसके अलावा अगर हम बात करें Asus के Zenfone Max Pro M1 की, तो इस फोन में आपको मिलता है 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, IPS LCD डिस्प्ले है, जो कि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है, और इसमें जो रेजोल्यूशन दिया गया है वो दिया गया है सेम Realme 1 के जैसा। तो यहाँ पर अगर आप तीनों फोन के डिस्प्ले को देखेंगे तो यहाँ पर एक कमी है, जो कि है Xiaomi के Redmi Y2 में। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर अगर तीनों फोन में डिस्प्ले देखा जाए, तो जो Xiaomi का Redmi Y2 है वो डिस्प्ले में थोड़ा सा पीछे रह गया Oppo के Realme 1 और Asus का जो भी Zenfone Max Pro M1 है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट कैमरा कंपैरिजन करते हैं कि कैमरा स्पेसिफिकेशन क्या क्या है इन तीनों फोन के बीच में। तो यहाँ पर अगर कैमरा देखा जाए तीनों फोन के बीच में, तो यहाँ पर आपको Xiaomi के Redmi Y2 में बैक कैमरा यानी रियर कैमरा मिलता है, डुअल कैमरा, जिसमें आपको दिया गया है एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का और दूसरा दिया गया है 5 मेगापिक्सल का। तो वहीं पर अगर बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरे की यानी सेल्फी कैमरे की, तो इस फोन में आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है 16 मेगापिक्सल का, जो कि काफी बेहतर है। वहीं पर अगर हम बात करें Oppo के Realme 1 में फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का और जो रियर कैमरा दिया गया है यानी बैक कैमरा दिया गया है वो दिया गया है 13 मेगापिक्सल का। इसके अलावा बात करें हम Asus के Zenfone Max Pro M1 की, तो इस फोन में आपको बैक साइड में दिया गया है डुअल कैमरा, जो कि एक है 13 मेगापिक्सल और एक है 5 मेगापिक्सल का। वहीं पर अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो यानी सेल्फी कैमरे की, तो इस फोन में आपको सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप इन तीनों फोन को गौर से देखेंगे, तो यहाँ पर आपको Oppo के Realme 1 में कुछ कमी देखने को मिलेगी, वो यह है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का डुअल कैमरा देखने को नहीं मिलता और ना ही यहाँ पर किसी भी तरह का फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जबकि आपको दोनों फोन में बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। तो बात करें तीनों फोन के बीच में प्रोसेसर और स्टोरेज की, तो Xiaomi के Redmi Y2 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 625 ऑक्टाकोर 2.GHz के साथ। वहीं पर ये जो फोन है आपको दो वेरिएंट में मिलेगा, एक मिलेगा 32GB इंटरनल स्टोरेज 3GB रैम के साथ, जिसकी जो कीमत है वो है 9,999 रुपए, और जो दूसरा वेरिएंट है वो है 64GB इंटरनल स्टोरेज 4GB रैम के साथ, जिसकी जो कीमत है वो है 12,999 रुपए। इसके अलावा फोन में आपको दिया गया है एंड्रॉइड 8.1 और जो बैटरी दिया गया है वो दिया गया है 3080mAh की। इसके अलावा बात करें ओप्पो के Realme 1 की, तो इस फोन में आपको दिया गया है प्रोसेसर MediaTek का Helio P60 ऑक्टाकोर 2.GHz के साथ। वहीं पे फोन आपको तीन वेरिएंट में मिलता है, एक मिलता है 32GB इंटरनल स्टोरेज 3GB रैम के साथ, जिसकी जो कीमत है वो है 8,990 रुपए, दूसरा वेरिएंट है 64GB इंटरनल स्टोरेज 4GB रैम के साथ, जिसकी जो कीमत है वो है 10,990 रुपए, और जो तीसरा वेरिएंट है वो है 64GB इंटरनल स्टोरेज 6GB रैम के साथ, जिसकी जो कीमत है वो है 13,000
₹990। इसके अलावा फ़ोन में आपको दिया गया है एंड्रॉयड 8.1 और जो बैटरी दी गई है वो दी गई है 3410 mAh की। इसके अलावा अगर हम बात करें आसूस के जेनफोन मैक्स प्रो M1 की, तो इस फोन में आपको प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन का 636 का ऑक्टा कोर 1.8 GHz के साथ। और ये जो फ़ोन है वो आपको तीन वेरियंट में मिलेगा। एक मिलेगा 32GB 3GB RAM के साथ जिसकी जो कीमत है वो है ₹10,999। दूसरा वेरियंट है 64GB 4GB RAM के साथ और जो तीसरा वेरियंट है वो है 64GB इंटरनल स्टोरेज 6GB RAM के साथ जिसकी जो कीमत है वो है ₹14,999। इसके अलावा फोन में आपको दिया गया है एंड्रॉयड 8.1 और जो बैटरी दी गई है वो दी गई है 5000 mAh की। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर तीनों फोन के बीच में कहीं ना कहीं ओप्पो रियलमी वन में जो प्रोसेसर दिया गया है MediaTek का Helio P60 प्रोसेसर वो थोड़ा सा पावरफुल है जो कि आसानी से स्नैपड्रैगन के 636 और 660 को आसानी से टक्कर दे सकता है। तो प्रोसेसर के मामले में कहीं ना कहीं ओप्पो Realme 1 काफ़ी बेहतर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दोनों फ़ोन दिए गए हैं उनका प्रोसेसर बेकार है। भैया 636 भी काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और यहाँ तक कि जो 625 प्रोसेसर दिया गया है वो भी काफ़ी बेहतर प्रोसेसर है। तो यहाँ पर और भी चीज़ें मैटर करती है। तो यार यहाँ पर देखो अगर तीनों फ़ोन को देखा जाए, तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो Redmi Y2 लेने की, तो यहाँ पर यार अगर आप HD+ डिस्प्ले के साथ काम चला सकते हो तो यहाँ पर आप बेझिझक जो भी Xiaomi का Redmi Y2 है वो ले सकते हो। काफ़ी प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेहतर इसमें आपको फीचर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप Oppo Realme 1 लेने की सोच रहे हो, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है और ना ही इसमें आपको डुअल कैमरा सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें Asus के Zenfone Max Pro M1 की, जो भी 3GB RAM वाला वेरियंट है, तो यहाँ पर आपको दोनों फ़ोन के मुकाबले 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखो कैमरा भी बेहतर मिलेगा, बैटरी तो काफ़ी पावरफुल मिल रही है, इसके अलावा जो प्रोसेसर दिया गया वो भी काफ़ी बेहतर है, जो डिस्प्ले दिया गया है वो भी फुल HD+ डिस्प्ले। तो यहाँ पर अगर मेरी मानो तो मैं तीनों फ़ोन में से चूज़ करना होता 3GB RAM वाले वेरिएंट में 1000-2000 रुपये तो चलता है, तो ऐसे में मैं आसूस का Zenfone Max Pro M1 लेता। लेकिन अगर आप लोग HD+ डिस्प्ले के साथ काम चला सकते हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप Redmi के Y2 के साथ जा सकते हो जो कि काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। लेकिन बस कमी यह है कि वहाँ पर HD+ डिस्प्ले आपको दिया गया है। तो यार ये मेरे ओपिनियन थे, मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि मैं होता तो मैं कौन सा फ़ोन खरीदता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आप लोगों के थोड़े से अलग हो सकते हैं, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपके हिसाब से तीनों में से कौन सा फ़ोन बेहतर होगा और आप कौन सा फ़ोन लेना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे कमेंट करना मत भूलना। इसके अलावा अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी जरूर दबाना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।